नमस्कार दोस्तों, सस्सी टू किचन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप दूध का खस्ता खाए हैं? तो चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए ये खस्ते कितने मीठे और क्रिस्पी बने हैं, चलिए आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं। चलिए आपको इसकी सामग्री बताते हैं। 250 ग्राम मैदा, 125 ग्राम चीनी, 1 कप दूध, 2 चम्मच सफ़ेद तिल और 100 ग्राम घी। हमने जितना मैदा लिया है उसका ठीक जो है आधा पिसी चीनी लेना है, इसका खास ध्यान रखिएगा। बर्तन में इन दोनों को मिला लीजिए। इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी खाने का सोडा, मीठा सोडा। अब इसमें डाल देती हैं घी। इसको अच्छे से मिला लेना है हथेली से, मसल मसल कर, उसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए और इसमें बॉल बन जाए तो समझ लीजिए हमारा तैयार है। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। इसमें सारा दूध इकट्ठे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। वो हम अच्छे से गूंथ लेंगे। अच्छे से डो तैयार हो गया मेरा। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है, सेट हो गया है। अब इसको हम चिकना कर लेते हैं, हाथ से मसल लेते हैं। इधर हमने गरम करने के लिए तेल रख दिया हुआ है, छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा गीला है इसलिए कि इसमें चीनी पड़ी हुई है। ये हमारी सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। टिक्कियों को हम डाल देते हैं धीरे धीरे करके, एक एक सारी टिक्कियाँ हम डाल देते हैं। इसको आप तब तक न चलाइए जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। इसका कलर चेंज हो गया है। चलिए इसको हम पलट देते हैं, एक एक करके हम पलटेंगे। ये देखिए खस्तों का कितना बढ़िया कलर खिल के आया है। देखिए जल्दबाजी में गिर भी गया। तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल डार्क ना हो जाए, ताकि हमारा जो खस्ता है बिल्कुल पूरा हो। देखिए खस्ता कितना खिल के आया है। इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए खस्ता कितना कुरकुरा है। आप लोग अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपको ऐसी रेसिपी अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।